नमस्कार, एसडीएफ न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आर के रोशन। आइए देखते हैं अब तक की 10 बड़ी खबरें। एनडीए की स्थिति बिहार में अच्छी है और यहां की सरकार ने राज्य का चहुंमुखी विकास किया है। भाजपा प्रदेश कार्य समिति ने भी अपनी मुहर लगाते हुए नीतीश कुमार के नेतृत्व में आस्था व्यक्त कर दिया है, यानी विधानसभा चुनाव भी उन्हीं के नेतृत्व में लड़ने का ऐलान भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने किया है। हर वोटर तक कार्यकर्ता को जाने के लिए भी कह दिया है। चुनाव आयोग की यदि बात करें तो वह अपनी तैयारी में लगी हुई है ताकि निर्धारित समय पर ही चुनाव कराया जा सके। यद्यपि 29 तक वर्तमान सरकार का कार्यकाल है, लेकिन कुछ दलों का मानना है कि अभी कोरोना के चलते चुनाव नहीं हो। बिहार ने बड़ी तेजी के साथ कोरोना पर काबू पाया है। यहां संक्रमण दर में गिरावट दर्ज किया जा रहा है। खबरों के मुताबिक बिहार में यह दर अभी 2.2% तक आ गया है, जो खुशी की बात है। मांगों के समर्थन में राज्य के स्वास्थ्य केंद्रों में संविदा के आधार पर तैनात नेशनल हेल्थ मिशन के कर्मी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। मांगों के समर्थन में एकजुट कर्मियों का मूड इस बार आर पार का है। इन दिनों बेलगाम अपराधियों ने पटना समेत विभिन्न जिलों में कई कांडों को अंजाम दिया है। पटना में भी पुलिसिया चाक चौबंद व्यवस्था को धत्ता दिखाने वाले गिरोह की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। गौरतलब है कि रविवार को पटना के एक प्रॉपर्टी डीलर के कार्यालय में घुसकर अपराधियों ने 50 राउंड फायरिंग की घटना को अंजाम दिया। बिहार में विकास की रफ्तार बनाए रखने के लिए यह जरूरी है कि यहां एनडीए की ही सरकार बने। यह कहना है भाजपा के बिहार प्रभारी भूपेंद्र यादव का। उन्हें 3/4 सीट जीतने का भरोसा है। सूबे के उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने राजद को लालू का विकल्प तलाश करने की सलाह दी है। उन्होंने कहा है कि कब तक जेल से संचालित होने वाले दल के रूप में जाना जाएगा। इस ट्वीट पर राजद के नेताओं ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। प्रदेश की राजधानी पटना होकर बहने वाली गंगा नदी अब धीरे धीरे शांत होती जा रही है। अभी भी वह पटना के गांधी घाट पर खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। राज्य निर्वाचन आयोग आज चुनावी तैयारियों का जायजा के लिए जिलों के डीएम के साथ वेबिनार के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करेगा। सूबे में चुनावी तैयारी के बीच प्रतिपक्षी दलों का मूड खराब है। विपक्षी दलों का कहना है कि बिहार में बाढ़ के साथ कोरोना की विकराल स्थिति बरकरार है, इस सूरत में चुनाव कराना उचित नहीं है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने पुनः चुनाव टालने पर जोर दिया है। खबरों के इस सफर में बस इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए एसडीएफ न्यूज़।